मदरसों की जांच कराने की तैयारी में अब योगी सरकार है। फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले मदरसों पर कार्रवाई होगी। जहां प्रदेश भर में जांच के दायरे में है 7,442 मदरसे, कुछ जिलों में कागजों पर फर्जी मदरसे चल रहे हैं और इसी पर अब ये जांच कराई जाएगी। प्रदेश भर के 7,442 मदरसों की जांच होगी और इसमें जो फर्जी मदरसे चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, मदरसों की जांच कराने की तैयारी में अब योगी सरकार है। जहां फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने पर ये कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले मदरसों पर कार्रवाई होगी जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी देंगे अनुभव शुक्ला, हमारे संवाददाता। अनुभव, किस तरह की ये शिकायत मिली थी, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, कुछ जिलों से ऐसी शिकायत मिली थी क्योंकि मदरसों को अनुदान दिया जाता है, मदरसा आधुनिकीकरण योजना जो है उसके तहत पैसा दिया जाता है, और ख़ासतौर से अमरोहा हो गया, गोंडा हो गया, इसके अलावा पूर्वांचल के कुछ ज़िले हो गए, कुछ वेस्टर्न यूपी के ज़िले हैं, वहाँ से शिकायत मिली थी। शासन को पत्र भेजा गया था कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो कागजों में है हकीकत में वैसा नहीं है। और जब जाँच कराई गई तो उसमें वो सारी चीज़ें सामने भी आई हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 7400 से जो ज़्यादा मदरसे हैं उनकी जांच कराई जाएगी। 21,000 से ज़्यादा टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जो इन मदरसों में शिक्षा देते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं जांच के दायरे में हैं। और ये योगी वन की अगर बात करें, तब भी जो इस तरीके से शिकायतें आई थी तब भी बहुत सारे मदरसों की जांच कराई गई थी। आजमगढ़ में कुछ ऐसे मदरसे थे जो केवल कागजों में चल रहे थे, हकीकत में वहाँ कुछ भी नहीं था, किसी का केवल मकान था और उसी के नाम पर पूरा हम कहें तो रजिस्ट्रेशन था और सारा अनुदान लोग ले रहे थे। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा पहले भी पकड़ा गया है, पर अब जिस तरीके से और शिकायतें आई हैं, अमरोहा से शिकायत आई है, गोंडा जिले से शिकायत आई है, उसके बाद ये तय हुआ है कि अब जल्द ही जो भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा योजना के तहत जिन मदरसों को भी अनुदान मिल रहा है, सरकार मदद कर रही है, उनकी जांच कराई जाए। कई जगहों पर क्या होता है, देखिए शिक्षक भी कम है और वहाँ मदरसों में छात्रों की संख्या भी कम है, लेकिन जब वो भेजे जाते हैं उनके लिए अनुदान के लिए राशि मांगी जाती है तो संख्या बढ़ा चढ़ा कर मांगी जाती है। दूसरा किस तरीके से फर्जीवाड़ा होता है, मान लीजिए कोई एक एड्रेस दे दिया कि यहाँ पर मदरसा चल रहा है, वहाँ पर आप जाइए तो आपको मदरसा नहीं मिलेगा, किसी का केवल मकान मिलेगा, कुछ लोग रह रहे होंगे। तो इस तरीके के फर्जीवाड़े पहले भी हुए हैं और अब जब अन्य शिकायतें आई हैं, अन्य ज़िलों से शिकायतें आई हैं, तो उसके बाद ये तय किया जा रहा है कि इनकी भी जाँच करा ली जाए और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। साथ ही साथ अनुभव, क्या ये भी साफ हुआ है कि इस कार्रवाई की प्रक्रिया क्या होगी, क्या ये भी जानकारी मिल पाई है? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ जिन जिलों से शिकायत आई है वहाँ पर जो भी मदरसा शिक्षा बोर्ड के लोग हैं उनको भेजा जाएगा। हो सकता है कि जिलाधिकारी के अंडर में कोई कमेटी भी बनाई जाए, या जिलाधिकारी खुद अगर शासन से रिपोर्ट मांगी जाती है तो वो एक कमेटी का गठन खुद कर सकते हैं, दो लोग तीन लोग उसमें रहेंगे, वो सारी चीज़ों की जाँच करेंगे, सारे मदरसों की जो डिटेलिंग है वो मंगाई जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि कौन से मदरसे कितने समय से कितना अनुदान ले रहे थे, क्या वहाँ जो संख्या बताई गई जो मदरसे के शिक्षक हैं या मदरसे में जो छात्र अध्ययनरत हैं, क्या उनकी संख्या है उतनी या नहीं उतनी। तो इन सारी चीज़ों पर इस तरीके से पैनल बन सकता है, जिला स्तर से भी बन सकता है, जिलाधिकारी भी बना सकते हैं, शासन की ओर से भी कोई अगर हम कहें कमेटी बन सकती है जो सारे जो इस तरह की गड़बड़ियाँ जहाँ से आई उन सारी चीज़ों को देखेगी। ठीक है अनुभव, और तकरीबन कितने ऐसे मदरसे बताए जा रहे हैं, क्योंकि संख्या 7000 से ऊपर है, तो कितने ऐसे मदरसे हैं जो फर्जी पाए जा सकते हैं, कितनी इनकी संख्या हो सकती है? देखिए, अभी जो शिकायतें आई हैं वो अमरोहा से आई हैं, तकरीबन 20 से 30 40 मदरसों की वहाँ की शिकायतें, इसी तरह गोंडा ज़िले की कुछ जिलों मदरसे जो हैं वहाँ पर उनकी शिकायतें आई हैं। आजमगढ़ का हमने पहले उदाहरण दिया कि आजमगढ़ किस तरीके से मदरसे पकड़े गए थे, इसके अलावा मेरठ में भी कुछ मदरसे अगर हम कहें तो बीते वर्ष पकड़े गए थे। तो इसी तरीके की चीज़ें वहाँ पर भी गड़बड़ियाँ थी और उन गड़बड़ियों को जांच में पकड़ा गया था, तब कार्रवाई भी हुई थी। खुद एबीपी गंगा ने दिखाया था कि किस तरीके से कागज़ों में केवल मदरसे चल रहे हैं, हकीकत में वहाँ पर मदरसे है ही नहीं। जब वहाँ पर जांच के लिए टीमें पहुँची तो वहाँ मदरसे मिले ही नहीं। इसी तरीके की शिकायत आई है और 7400 के आसपास जो ये मदरसे, जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा योजना है, केंद्र सरकार से जो फंड आता है, जो बजट आता है, अनुदान आता है, वो मिलता है। 21,000 से ज़्यादा वहाँ पर जो शिक्षक हैं वो वहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर छात्रों की संख्या देखें तो वो भी तकरीबन अगर हम कहें तो 1,00,000 से ज़्यादा ही है इन मदरसों में।
तो उन सारी चीजों को देखा जाएगा। लेकिन अभी जहां जिन जिलों से शिकायत आई है पहले वहां जांच की जाएगी और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, और उस जांच के परिणाम भी जरूर देखे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से शातिर अपराधी मोहम्मद हनीफ के प्रॉपर्टी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और सीओ कोतवाल सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर अवैध दुकानों को यहां तोड़ा गया है। दर्जनों मामले का गैंगस्टर का आरोपी ये प्रधान मोहम्मद हनीफ फिलहाल जेल में बंद है। इस दौरान आरोपी के घर को भी सील कर दिया गया है। देखिए किस तरह शातिर अपराधी मोहम्मद हनीफ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। उस दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने अवैध दुकानों को यहां तोड़ा है, जबकि ये अपराधी मोहम्मद हनीफ जेल में बंद है और अब इसकी अकूत संपत्ति पर बुलडोजर प्रशासन का चला है। के प्रधान हैं, उनके विरुद्ध दो दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं और उन्हीं मुकदमों के कारण उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश पारित किया गया है। उसी आदेश का कंप्लायंस कराने के लिए आज प्रशासन और पुलिस की पूरी टीम यहाँ पे पढ़ुआ ग्राम सभा में मौजूद है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए आदेश निर्देश के क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। उधर कासगंज में भी प्रशासन का बुलडोजर जमकर गर्जा है। कासगंज सदर तहसील के टिम्बरपुर में ग्राम समाज की जमीन पर बनाई गई दुकानों को कासगंज तहसील प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। दरअसल कासगंज तहसील कोर्ट ने 3 साल पहले लेखपाल द्वारा दायर किए गए वाद पर निर्णय देते हुए अवैध निर्माण तत्काल हटाने का फरमान सुनाया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। आज कासगंज एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी का। वहीं एटा में भी फिर से योगी सरकार का बुलडोजर चला है। एटा कलेक्ट्रेट परिसर के पास एसएसपी और जिला न्यायाधीश के आवास के सामने की 3 मंजिला इमारत पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। बलवीर सिंह यादव नाम के शख्स के आवास पर यह कार्रवाई हुई है। कार्रवाई का आदेश डीएम अंकित कुमार ने दिया था और उप जिला अधिकारी शिव कुमार सिंह के नेतृत्व में इमारत को गिराने का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि बलवीर यादव नाम के शख्स ने अवैध रूप से इमारत का निर्माण करवाया था। हालांकि इमारत को गिराने की कार्रवाई करने से पहले मकान मालिक को नोटिस दिया गया था। मैं यहां खड़ा हूं एटा जनपद के सिविल लाइन्स इलाके में, जो कि वीवीआईपी इलाका कहा जाता है। यहां पर जिलाधिकारी का आवास है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का आवास है और जनपद न्यायाधीश का भी आवास है। इस वीवीआईपी इलाके में चल रहा है योगी का बुलडोजर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा दिखाएंगे, लेकिन पीछे बुलडोजर चल रहा है जो 3 मंजिला इमारत पूर्तिकरण की कार्रवाई की जा रही है और ये बताया गया है कि अवैध रूप से इमारत का निर्माण कराया गया था। यहाँ के प्रशासनिक सूत्रों का ये भी कहना है कि इस तरह की कई अवैध इमारतें चिन्हित की जा चुकी हैं और उनको आगे दृष्टिकरण किया जाएगा। मैं कहना चाहूँगा जरा दिखाएंगे, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा उदय शंकर सिंह का आवास है और इसके बगल में ये जो है जनपद न्यायाधीश का आवास है और जनपद न्यायाधीश के आवास के बगल में ही एटा के जिलाधिकारी का भी आवास है। तो कुल मिलाकर इस वीवीआईपी इलाके में आज गर्जा है योगी का बुलडोजर और यहाँ के प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में इस तरह की बहुत सारी अवैध इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। राकेश भदौरिया, गंगा, एटा। राजधानी लखनऊ में भी बुलडोजर काम पर लगा है। एलडीए की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। गुलाब नगर में 2 अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। थाना सादतगंज क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर। और चलिए बुलडोजर की चाल के बाद अब बात बिगड़े बोल की।
मुरादाबाद में सरकारी अधिकारी के बोल बिगड़े हुए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा शिकायतकर्ताओं को भद्दी भद्दी गालियां देते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेमर खास गांव के ग्रामीण राशन डीलर की धांधली की शिकायत लेकर एसडीएम आवास पर पहुंचे थे। इसी बीच एसडीएम घनश्याम वर्मा आग बबूला हो गए, फरियादियों को गाली देने लगे। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों के साथ एसडीएम हाथ में लाठी लेकर ग्रामीणों को दौड़ाते हुए भी नजर आए। इसी दौरान बिलारी एसडीएम घनश्याम वर्मा का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस मामले में जिले के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से अब बच रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां भाजपा सांसद साक्षी महाराज को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। गैंगरेप और अपहरण के मामले में साक्षी महाराज को राहत मिली है। हाईकोर्ट की निचली अदालत के फैसले में दखल देने से इनकार किया गया है। साक्षी महाराज को 21 साल पुराने मामले में ये राहत मिली है। तो ये बड़ी खबर, भाजपा के सांसद साक्षी महाराज को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। मामला था गैंगरेप और अपहरण का, जिस मामले में साक्षी महाराज को राहत मिली है। हाईकोर्ट के द्वारा निचली अदालत के फैसले में दखल देने से इनकार किया गया है। बता दें कि 21 साल पुराने इस मामले में ये राहत मिली है, जो कि अपहरण और गैंगरेप से जुड़ा हुआ था। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में दखल देने से इनकार किया है। नेपाल के लिए अब रवाना हो चुके हैं वहां के पीएम शेर बहादुर देउबा। सीएम योगी एयरपोर्ट पर खुद पहुंचे थे पीएम को विदाई देने के लिए। उस दौरान की तस्वीरें, जहां नेपाल के पीएम काशी विश्वनाथ भी पहुंचे। वाराणसी का उनका यह दौरा था और इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किए। उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी, लेकिन अब वे नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। खुद सीएम योगी उन्हें विदाई देने पहुंचे। इससे पहले नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके पूरे कार्यक्रम को इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। एयरपोर्ट पर जब वे आए, खुद सीएम ने उनका स्वागत दिया, फूलों का गुलदस्ता दिया, काल भैरव के दर्शन किए नेपाल के पीएम ने, और उसके बाद वे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद थे। पशुपति मंदिर में भी नेपाल के पीएम पहुंचे, जहां देउबा ने यहां पूजा अर्चना की, और उसके बाद अब वे वापस नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का ये दौरा था वाराणसी का। इस दौरान की अलग अलग तस्वीरें, जब वे पहुंचे और उस दौरान मंदिरों के जब दर्शन किए, उस दौरान की तस्वीरें। तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का काशी का दौरा था। इस दौरान उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की और वृद्धा आश्रम की नींव रखी गई। इस दौरान एबीपी गंगा के संवाददाता ने मंदिर में मौजूद बुजुर्गों से बात की, जो काफी उत्साह में दिखाई दिए। तो काशी में आज खास मौका है, खास मौका इसलिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री आज काशी में पहुंचे हैं और इसके साथ ही उन्होंने बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके साथ ही वृद्धाश्रम की नींव भी रखी। तो वृद्ध माताएं हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या क्या हुआ, बातचीत की आपने नेपाल के प्रधानमंत्री से? हम बात तो नहीं किया, लेकिन आ गए, हमने दर्शन मिला, पूजा किया, बहुत खुश लगा। आ गए हम, बहुत बातचीत हो गए। तो आप लोगों का वृद्धाश्रम तो यहाँ पर पहले से था, लेकिन अब नई नींव पड़ी है, तो क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, अच्छा लग रहा है। जब मंत्री जी का सवारी हो गया, बहुत बढ़िया लग गया है। हम लोग क्या सुख आता नहीं आ रहा, हो गया सुख हो जाएगा। जब जब बन जाएगा तो हमको सुख आ जाएगा। तो आप देखिए, महादेव की नगरी में महादेव का ये अद्भुत स्वरूप, और कहते हैं
कि काशी और नेपाल की एकता का प्रतीक है ये बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर। बिल्कुल आपको नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तरह ये मंदिर दिखाई देगा। यहाँ पर काष्ठ कला और इस मंदिर की बनावट को भी आप देखिए, एक तरह की यहाँ पर ये बनावट है। और अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर जो बाबा का शिवलिंग है वो कैसा है। तो अपने कैमरा पर्सन विशेष से कहेंगे कि ज़रा अंदर की तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए यही वो जगह है जहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपना अनुष्ठान संपन्न किया है। और यहाँ पर पूजन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ताज होटल के लिए निकले और जो उत्साह यहाँ पर दिखाई दिया वो ज़बरदस्त तौर पर। हर कोई सिर्फ और सिर्फ नेपाल के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के गुण गाता दिखाई दिया। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। खबर जौनपुर से, जहां केराकत कोतवाली क्षेत्र के कुसराना के पास डामर लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आग की तेज लपटों के साथ ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर स्वाहा हो चुका था। उधर कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में एक दलित परिवार ने शमशाद नाम के युवक पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कानपुर देहात के मूसा नगर का रहने वाला शमशाद उनके घर आता जाता था और लगातार उन पर इस्लाम को कबूल करने का दबाव डाल रहा था। आरोप तो ये भी है कि शमशाद ने कई बार जबरन उन्हें कलमा भी पढ़वाया। हालांकि इस मामले में पुलिस का कुछ और ही कहना है। पुलिस इसे कुछ सिक्कों के लेन देन का विवाद बता रही है और प्रार्थना पत्र में धर्म परिवर्तन या दबाव डालने जैसी किसी बात से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। रेवना चौकी थाना घाटमपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला द्वारा शमशाद नामक व्यक्ति के खिलाफ प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें उसने कहा है कि 2009 में शमशाद ने प्लाट देने के नाम पर 7 सोने के सिक्के ले लिए थे, जो उसने वापस मांगे तो वापस नहीं दे रहा है। और आपसी विवाद का के संबंध में इसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रार्थना पत्र में कहीं भी इस गर्भपात तथा कलमा पढ़ने का कोई जिक्र नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात प्रकाश में आती है तो तत्काल इसमें कार्रवाई की जाएगी। उधर फतेहपुर में महिला के साथ 3 तलाक का मामला सामने आया। गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाखा गांव में शरीफ खान की बेटी रुखसार का निकाह गांव के रमजान खान के साथ 2018 में हुआ था। रमजान और उसका परिवार शिवाजी नगर मुंबई में रहता है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही रमजान और उसके परिवार के सदस्य कम दहेज से नाखुश थे और 3 लाख रुपए और कार की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, आरोप है कि पति ने गर्भवती पत्नी से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। दिसंबर 2021 को ननद की शादी में शामिल होने के लिए पीड़ित अपनी मांग के साथ मुंबई पहुंची तो दोनों को भगा दिया गया। वह अपनी माता के साथ पहुंची थी। अब पीड़ित महिला ने दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और फोन पर 3 तलाक दिए जाने की तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है। 31 मार्च 2022 को थाना गाजीपुर पर एक महिला द्वारा अपने पति व ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न करने तथा पति के द्वारा मोबाइल फोन पर तलाक देने के संबंधी आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। और चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।